वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन देखेंगे सामयिक वेतन वृद्धि, यानी सामयिक वेतन वृद्धि जो 1 जुलाई को हमेशा आपने 3% इंक्रीमेंट जो जुड़ता है, 3% इंक्रीमेंट अपना बेसिक में जुड़ता है और बेसिक अकॉर्डिंग जो DA होता है उसमें जुड़ करके अपनी सैलरी ग्रोथ होती है। इन प्रोबेशन एम्प्लॉय जो होते हैं उनको छोड़ करके जो अलावा राज्य कर्मी जो होते हैं, जो स्थायी होते हैं, फिक्स होते हैं, उनको 3% इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है। प्रोबेशन एम्प्लॉय को छोड़ करके आप सभी राज्य कर्मियों को इंक्रीमेंट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यहाँ पर 6 पे एम्प्लॉय के लिए भी वेतन वृद्धि जो आदेश है यहाँ पर, जिसकी कॉपी अपन को बिल के साथ में ट्रेजरी को जमा करानी होती है और यहाँ पर DDO द्वारा फॉरवर्डिंग आफ्टर, यहाँ पर आदेश की भाषा ये 6 पे सैलरीज जो एम्प्लॉई हैं उनकी वेतन वृद्धि के लिए आदेश है और यहाँ पर ये 7 पे का, यहाँ पर 7 पे वेतन वृद्धि आदेश, जिसमें यहाँ पर कर्मचारी का जो नाम वगैरह लिख करके यहाँ पर आदेश की भाषा लिखी हुई है और यहाँ पर अपने विद्यालय कार्यालय का नाम क्रमांक वगैरह लिख करके इस कॉपी को अपन ट्रेजरी में साथ में जमा करा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपकी सुविधा के लिए बनाया है, इसमें कोई त्रुटि या विरोधाभास की स्थिति में आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के आदेश को अधिकृत माने। यहाँ पर ये एक्सेल शीट है और एक्सेल शीट में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपना भावी वेतन जो देखना है तो यहाँ पर कार्मिक का नाम यहाँ पर टाइप कर लेंगे, पद यहाँ पर अध्यापक अध्यापिका जो भी है, स्थायी अस्थायी, यानी कि स्थायी के लिए ही होता है ये, अस्थायी के लिए यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं लगता है। और पद का लेवल, पद का वेतन लेवल, यहाँ पर पद के लेवल वेतन को देखने के लिए मैंने यहाँ पर पे मैट्रिक्स अवेलेबल कराई है, जैसे यहाँ पर पेमेंट दिया हुआ है PB1, 2 और 3 और 4। यहाँ पर अब PB2 इंप्लॉई, ज़्यादातर इंप्लॉई जैसे 9,300 से 34,800, तो यहाँ पर मेरा जो नाम लिखा हुआ है, जैसे मेरा इंक्रीमेंट अभी कितना लगना है, जैसे मेरी GP यानी कि ग्रेड पे 4800 है और 4800 के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर लेवल 12 होगा। पद लेवल के अनुसार, क्योंकि अपन ने पेमेट्रिक्स में देखा है और वर्तमान वेतन मेरा यहाँ पर, वर्तमान वेतन अपन ने यहाँ पर जो भी आपका वर्तमान वेतन हो यहाँ पर टाइप कर लेंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक भावी वेतन जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर भावी वेतन शो हो जाएगा, यानी कि 1 जुलाई 2019 को 61,300। और यहाँ पर जैसे प्रोबेशन जो प्रबोधक एम्प्लॉई है मान लो सपोज, या आपका बेसिक यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे यहाँ पर प्रबोधक एम्प्लॉई का अपन बेसिक देखते हैं, जैसे प्रीवियस उनका बेसिक था 42,500, उसको जैसे ही टैप करेंगे यहाँ पर 43,800 इनका भावी वेतन हो गया। दोस्तों, WPS अगर आपके पास में हो मोबाइल में तो आप इसमें आसानी से इस एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग अपना 1 जुलाई को लगने वाले इंक्रीमेंट यानी कि अपना भावी वेतन आप आसानी से देख सकते हैं।